अस्सलाम वालेकुम, HNN न्यूज़ के साथ मैं हूं परवीन अंजुम। खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से, जहां दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी पाक कश्मीर कौमी यकजहती फोरम की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती शोम इस्तेहसार कश्मीर डे की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से तमाम सियासी जमात और फोरम के जिम्मेदारान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि 5 अगस्त का दिन सियाह तरीन दिन है। 5 अगस्त भारत के गैर कानूनी इकदाम को आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की अवाम तस्लीम नहीं करती। मोदी की फास्ट पॉलिसी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को नहीं रोक सकती। हम भारत को आज ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म करने से बाज आ जाएँ। लाखों जुल्म जबर के बावजूद इस वक्त भारत के हाथ खाली हैं और उनके ख्वाब क़यामत तक नहीं पूरे हो सकते, बल्कि बेगुनाह लोगों के खून का हिसाब देना होगा। इस वक्त भारत इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करते हुए कश्मीरियों को उनका हक़ खुददारियत दिलाए, ताकि मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कन्वीनर पाक कश्मीर कौमी यकजहती फोरम राजा शमरोज, जनरल सेक्रेटरी रियाज शाही अफरीदी, जॉइंट सेक्रेटरी राजा मोहम्मद बशीर ने तकरीब में शिरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा और पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए।